हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अर्निंग फोलियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हैवेल्स इंडिया के एनुअल रिजल्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस कंपनी के लिए हमारा जो रिवेन्यू और प्रॉफिट का जो फोरकास्ट था वो कितना था और एक्चुअल नंबर जो इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं वो कितने आए हैं और इस कंपनी में आम निवेशकों के लिए बने रहना चाहिए या फिर हम इस कंपनी से निकल जाएं या और इन्वेस्टमेंट हमें इस कंपनी में करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और कुछ और नए अपडेट्स जो भी कंपनी की तरफ से जारी किए गए हैं इंडस्ट्री के ऊपर, ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। अगर हम रेवेन्यू देखें तो 2018 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग 82,000 मिलियन का था और 2019 में इसका रेवेन्यू बढ़कर 1,00,000 मिलियन के अराउंड इसका रेवेन्यू हो गया। इसने 21% की लगभग नेट ग्रोथ इसने पोस्ट की है रेवेन्यू में। और अगर हम नेट प्रॉफिट के नंबर्स देखें तो 2018 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 7,000 मिलियन के अराउंड था, जो कि बढ़कर 7,900 मिलियन इसका नेट प्रॉफिट हो गया और इसके नेट प्रॉफिट में लगभग 11.09% की ग्रोथ आई है। तो हमारा जो एस्टिमेट था इस कंपनी के रेवेन्यू के लिए वो लगभग 15% के ग्रोथ का था और जो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ थी वो हमने एक्सपेक्ट किया था कि लगभग 10% की ग्रोथ ही प्रॉफिट में पोस्ट करेगी कंपनी और लगभग नंबर उससे अच्छे ही आए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारा जो एस्टिमेटेड ईपीएस था वो 12.5 का था जबकि इस कंपनी ने एक्चुअल ईपीएस जो है वो 12.6 का पोस्ट किया है। तो ईपीएस स्टेटस लगभग टारगेट जो है वो हमारा अचीव हो चुका है और 0.8% से अच्छा ईपीएस ही इसने पोस्ट किया है। फ्यूचर प्रोडिक्शन से हम देखें तो 2019-20 के लिए हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 1,15,000 मिलियन के अराउंड इसको रेवेन्यू में ग्रोथ पोस्ट करनी चाहिए और प्रॉफिट में हम उम्मीद कर सकते हैं कि 8,700 मिलियन ये प्रॉफिट लगभग पोस्ट करेगी कंपनी। तो ओवरऑल हम 15% की ग्रोथ रेवेन्यू में और 10% की ग्रोथ हम प्रॉफिट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ईपीएस का एस्टिमेशन है हमारा 2019-20 का लगभग 13.93 का ईपीएस हमें 2019-20 के लिए देखने को मिलना चाहिए। ये नंबर्स चेंज भी हो सकते हैं, हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नज़र रखेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली रिजल्ट्स हम ये डिसाइड करेंगे कि एनुअल रिजल्ट्स हमें लगभग कैसा देखने को मिलने वाला है। अगर सेक्टर और कंपनी की अपडेट्स हम देखें तो रिसेंटली गवर्नमेंट का जो फोकस है वो गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का फोकस रहा है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाली है गवर्नमेंट गांव में। तो उसके चलते जो नए घर बनेंगे और उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी उससे इस कंपनी को ग्रोथ मिलने के पूरे चांस हैं। इसने जो रिसेंट प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की है मार्केट में जैसे कि वाटर हीटर है, वाटर प्योरीफायर है और पर्सनल ग्रूमिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस कंपनी को मिल रहा है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और इन्होंने जो लॉयड के बिजनेस को एक्वायर किया था तो अभी रिसेंटली कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि उसको इन्होंने फुल्ली इंटीग्रेट कर लिया है अपनी कंपनी के साथ, मतलब हैवेल्स और लॉयड दोनों अच्छे से मर्ज हो गए हैं जो उनका बिजनेस कल्चर था। जब भी कंपनियां मर्ज होती हैं तो बिजनेस कल्चर थोड़े डिफरेंट होने के चलते थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, पर कंपनी के अकॉर्डिंग ये सारे जो मर्जर था वो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और लॉयड को भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट में मिल रहा है। चूँकि डिजिटल इंडिया हमारे इंडिया में बहुत ही बढ़िया अच्छा पाथ पे चल रहा है तो इंटरनेट की पहुंच जो है वो गांव-गांव तक पहुंच रही है और इसी के चलते ब्रांड अवेयरनेस जो है, क्वालिटी अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें गांव में भी लोगों में अब आ रही हैं और उसके चलते लोग लोकल प्रोडक्ट्स की जगह ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लेना पसंद कर रहे हैं और ये इस कंपनी को थोड़ा अच्छा रेवेन्यू या ग्रोथ देने का मौका दिख रहा है। और मैनेजमेंट का कहना है कि इसमें 1,000 जो करेंटली ये 1,000 रूरल और जो छोटे शहर थे उन शहरों में ये मौजूद था और 2019-20 में इसका कहना है कि लगभग 3,000 छोटे छोटे शहरों और गाँव में ये अपनी पहुँच को बढ़ाएगा। कंपनी ने लगभग 0.79% ओवरऑल रेवेन्यू का R&D की फैसिलिटी में इन्वेस्ट किया है और ये आने वाले साल में इसको लगभग अपने रेवेन्यू के 2% का अमाउंट जो है वो R&D की फैसिलिटी में इन्वेस्ट करना करने वाली है। जो भी कंपनी R&D करती है तो वही कंपनी नए प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आती है और उसको बहुत ही बढ़िया और अच्छा रेवेन्यू, प्रॉफिट और हम कह सकते हैं कि बिजनेस मोड का एक कारण बनता है R&D की फैसिलिटी। अब अगर हम आम निवेशकों की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स,
तो इस कंपनी में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे ये कंपनी अभी मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी डिप आए इसके प्राइस में तो जरूर SIP करनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में जरूर बताएं, और आप अगर कोई और भी अपडेट जानना चाहते हैं किसी भी बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।